नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन 42 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 41 तो देख रहे थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तो ये सीरीज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है, देन प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिखिए गिवेन, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू है 1, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। अब दोस्तों देखिए जो लोग प्रूफ करना है वो क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसको तो हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये समझिए कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ये हो गया इक्वेशन 2। ध्यान रखिएगा दोस्तों यदि हम लोग जो पॉजिटिव वैल्यू दिया गया है उसी का निगेटिव में हम लोग वैल्यू रहेगा निकालने के लिए, हम लोग क्या करें यहाँ पे स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग प्लस माइनस 1 का कैसे रहे? प्लस माइनस रहेगा तब उस कंडीशन में बता रहे। देखिए जैसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है और इसी का निगेटिव यहाँ पे, साथ में क्या है यहाँ पे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 कहीं भी रहेगा प्रूफ करने के, तो हम लोग ध्यान रखें प्लस माइनस कुछ भी रहेगा, 1 ही नहीं 3 भी रह सकता, कुछ भी रह सकता है। प्लस माइनस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, वी गेट क्या हो जाएगा बताए, स्क्वायरिंग पहले करेंगे उसको फिर ऐड कर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग मतलब पहले स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो एलएचएस का क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, पहला इक्वेशन में एलएचएस का स्क्वायर कीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन डाल दीजिए, फिर इक्वेशन 2 का एलएचएस का होल स्क्वायर कीजिए। यहाँ माइनस है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू आरएचएस का एलएच, इक्वेशन 1 का आरएचएस का स्क्वायर कीजिए प्लस इक्वेशन 2 का आरएचएस का स्क्वायर कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे एलएचएस था ना, तो एलएचएस का स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस ये एलएचएस है सेकेंड वाला, इसका होल स्क्वायर किए इक्वल टू इक्वेशन 1 का आरएचएस का स्क्वायर किए प्लस इक्वेशन 2 का आरएचएस का स्क्वायर किए, तब ये स्क्वायरिंग एंड एडिंग हुआ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग हुआ। सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए थे, ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर तो देखिए ये 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नेगेटिव है और 2 कॉस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली हम लोग देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके ब्रैकेट में कर दीजिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे आगे देखिए दोस्तों इसका रिजल्ट तो हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, ये 1 प्लस ये भी 1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख लीजिए कि सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, पॉजिटिव आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ देखिए हो जाएगा 2 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 को इधर शिफ्ट कर दिए 2 माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जगह 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप इसको सीधा करके लिख लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जगह 1, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा, अगला वाला नंबर रूट आएगा और साथ में ये प्लस माइनस हो जाएगा।
एक्स इक्वल टू या प्लस माइनस रूट वन इक्वल टू क्या होता है वन, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन इंटू वन, इसको रूट से बाहर कर लीजिए, एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस वन। अब देखिए एक्स था क्या, एक्स हम लोग लेट किए थे किसको, एक्स लेट किए थे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पुट कर दीजिए। देयर फोर यहाँ पर लिख लीजिए ये जो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस वन। यही हम लोग को प्रूफ करना था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस वन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, या लास्ट में लिख लीजिए हैंस आई हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों को समझ आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा मेरे पढ़ाने का तरीका, यदि आप लोग पसंद आए और उसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आएगी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।